हेलो एंड नमस्कार दोस्तों दोस्तों चीन इस समय इंडिया पर साइबर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आप लोग को कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक आप लोग को न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। भारत में करीब 20 लाख से ज्यादा ईमेल आईडी इसके निशाने पर है। ये साइबर अटैक यूजर्स के पर्सनल या प्रोफेशनल ईमेल आईडी पर किया जा सकता है। सिक्योरिटी फर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कर सकता है भारत पर साइबर अटैक। इस न्यूज को देखने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि वाकई में चीन इंडिया पे साइबर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस तरीके बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप आसानी से बच सकते हैं इस प्रकार के साइबर अटैक से। वो आपके फेसबुक को एंड व्हाट्सएप पे किसी प्रकार का लिंक शेयर करके आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह का साइबर अटैक ऑस्ट्रेलिया में भी हो। भारत में फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम से ईमेल भेजकर इस साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है। खुफिया एजेंसी ने इस संभावित साइबर अटैक के बारे में आगाह किया है। खुफिया एजेंसी ने यूजर्स को आगाह किया है कि इस ईमेल आईडी से आए मेल को न तो ओपन करें और न ही अटैचमेंट डाउनलोड करें। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का साइबर अटैक हुआ था। तो चलिए हम बता देते हैं कि इस प्रकार के साइबर अटैक से हम बचेंगे कैसे, किस प्रकार से बच सकते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी भी चाइनीज एप्लीकेशन को अगर आप अपना पर्सनल डाटा, जैसे हो सकता है आप अपना बैंक अकाउंट भी किसी चाइनीज एप्लीकेशन में दे रखे हों और ट्रांजेक्शन आप उससे कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको जल्दी से डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं कि करके किस प्रकार से वो साइबर अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जीमेल वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। जीमेल को जैसे ही ओपन करते हैं, हमारा जीमेल कुछ इस प्रकार से खुलता है एंड सभी मैसेज यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं किस किस प्लेटफॉर्म से कौन कौन सा मैसेज आया है। एंड यहाँ पे कोने पे आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा एंड आपको स्पैम वाले ऑप्शन में चले जाना है। नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 मैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आपको ओपन करना है। ये यहाँ पे जितने भी मैसेज आपको शो हो रहे हैं यही सारे मैसेज हैं जिनके वजह से हमारा फ़ोन हैक होता है एंड जीमेल हैक होता है। बार बार ये मैसेज करेंगे तो जितनी मतलब लगातार कई बार मैसेज अगर कर दिया जाए तो आपके इनबॉक्स में भी ये मैसेज चला जाता है। अगर आपके द्वारा इस मैसेज को ओपन कर लिया जाता है यानी कुछ इसके बारे में छेड़खानी कर दिया जाता है तो आपका जीमेल इस यहाँ से हैक किया जाता है। जितने भी यहाँ पे मैसेज आपके आए हों इस स्पैम वाले ऑप्शन में, प्लीज़ आप यहाँ से सारे मैसेज को एक एक करके आप सबको जितने भी मैसेज हैं सभी मैसेज को सेलेक्ट करके आप तुरंत अभी डिलीट कर दीजिए। और जैसे ही डिलीट कर देंगे सभी मैसेज यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो ये था मतलब यहाँ से भी आपको अटैक किया जा सकता है। एंड पढ़ते हैं आगे आगे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं वहाँ हर प्लेटफॉर्म पे लगभग आपको साइबर अटैक आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं एंड कोई भी आपको मैसेज ऐसे करता है, कोई कहीं से भी मतलब कोई भी मैसेज आ जाता है आपके पास और देख सकते हैं जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार कोई भी मैसेज आ जाता है और वहाँ पे लिखा जाता है कि ये करो, डाउनलोड करो, आपको जियो की तरफ से 10 GB डाटा फ्री मिल रहा है। तो इस प्रकार के किसी भी मैसेज पे आप भूल कर भी क्लिक ना करिए। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके फेसबुक पर भी आपको हैक किया जा सकता है आपके सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे। जैसे फेसबुक पे आपने खोला एंड किसी का भी जैसे यहाँ पे पोस्ट पड़ा है और आप ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे मतलब कोई भी पढ़ रहता है, कोई भी गेम ही हो गया, कोई भी लिंक हो गया एंड जैसे पढ़ा रहता है और हम उस पर लिखा रहता है कि इस गेम को डाउनलोड करो, तुरंत आपको 500 रुपये चाहे 1000 रुपये मतलब जो भी रहता है वो मतलब आपको लोभ देते हैं। इस प्रकार के किसी भी गेम को आप इस समय खास करके डाउनलोड ना करें, उनको छुए भी ना। एंड जैसे कि डायरेक्टली आपके मोबाइल पे कॉल आ सकता है कि आपके इस नंबर को लकी नंबर मतलब चुना गया है और आप अपने बैंक की डिटेल दे दीजिए, उसमें मुझे 1 लाख रुपये चाहे 2 लाख चाहे 10 लाख कितना भी बता के आपको मतलब इस प्रकार के अटैक से अटैक कर सकते हैं आप पे। कहने का मतलब हमारा ये है, तो इस प्रकार किसी भी लालच में आप भूल कर भी ना पड़ें, कोई भी कॉल ऐसा आए तो तुरंत आप उस कॉल को कट करें। तो आई होप कि मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।